हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमुद गिरधर और आज एक बहुत ही पुरानी मिस्ट्री जो 2-4 साल पहले हुई थी उस पर हम बात करेंगे। और वो है कि वर्ल्ड के काफी फेमस जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थे, जैसे कि गौरव तिवारी हो गया या और भी 2-4 लोग थे, उन लोगों ने या तो सुसाइड कर लिया या वो अचानक से उनकी सस्पिशियस हालत में मौत हो गई। तो काफी लोगों ने ये समझा कि वो लोग तो एनर्जीज को डील करते थे तो उनको ऐसा सुसाइड क्यों करना पड़ा या उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये सिंपल रूल है कि उनकी एनर्जी डिसबैलेंसमेंट हो गई थी। डिसप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आप जिसे आप भूत बोलते हो, हमारी भाषा में उससे नेगेटिव एनर्जी के स्पॉट्स बोलते हैं। ठीक है, जब कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ऐसी जगहों पे जाता है या ऐसे लोगों के साथ डील करता है जो जिनको अलग अलग नेगेटिव स्पॉट्स नेगेटिव जोन में उसको जाना पड़ता है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे आप बैक्टीरिया की, जैसे आजकल कोरोना बहुत चल रहा है तो कोरोना के लिए बोल रहे हैं प्रोटेक्शन लीजिए। तो क्या हुआ कि मान लो आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट तो बना लिए जिनसे आपने उनका पता तो लगा लिया और आपने उनको कम्युनिकेट भी थोड़ा बहुत कर लिया, और लेकिन ये तो आपने सीख लिया, लेकिन अगर वो चीजें आपके साथ लग गई तो उससे कैसे अपना प्रोटेक्शन करना है ये आपने नहीं सीखा। तो इसका एक्सपीरियंस मैं भी भोग चुका हूँ। 2006 के अंदर जब नया नया मैंने ये सब चीजों को एक्सपोजर हुआ था तो अचानक से मुझे पूरी बॉडी में पैरालिसिस हो गया, GBS जिसे बोलते हैं। GBS किसी 1 लाख में से किसी एक बंदे को होता है और मानो कि मुझे हुआ। और 4-5 साल 6 साल तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ी दोबारा इस बारे में बात करने की। फिर धीरे धीरे किसी की गाइडेंस में मुझे सीखा और मैं इसको सीख के आगे बढ़ा। तो कई बार कुछ स्टूडेंट्स हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के, वो कई बार मुझे चैलेंज करते रहते हैं कि आप जो बोल रहे हो गलत है, क्योंकि मैं माला से एनर्जीज का पता लगाता हूँ। तो उसके बाद लेकिन मेन मुद्दा ये है कि अगर आप मशीनों से पता लगा भी लोगे और आपको उस एनर्जी को टैकल करना नहीं आएगा तो वो डेफिनेटली आपको डैमेज करेगी। और इसी वजह से गौरव तिवारी की डेथ हुई, क्योंकि वो एनर्जी का एक्सपोजर तो ले गया लेकिन उसने वो चीज आधा इनकम्प्लीट काम किया था। अगर उसने उस एनर्जी डार्क स्पॉट से लड़ना, यानी जिसे आप भूत बोलते हो, उन भूतों को सेटल करना भी सीखा होता या उन डार्क स्पॉट्स को टैकल करना सीखा होता तो शायद वो दिन वो बहुत बढ़िया आगे तक और दुनिया के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे होते हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इस लाइन में जा रहे हैं, जो भी लोग इस चीज का एक्सपोजर लेते हैं, वो ये समझ लें कि वो डायरेक्टली ना जाएं, किसी अच्छी गाइडेंस में जाएं, क्योंकि एनर्जी से एक्सपोजर लेना तो कोई बड़ी बात नहीं। आपको पता लग जाएगा, कुछ मशीनें बता देंगी, कुछ और पद्धतियां जो आपको बता देंगी, लेकिन उससे अपने आप को प्योरीफाई कैसे करना है अगर वो आपको नहीं आता तो आपके लिए वो जानलेवा साबित होगा। तो मैं जब बहुत सारे मेडिटेशन करने के बाद जब मैंने गौरव तिवारी के बारे में फोकस किया तो फिर यही चीज सामने आई कि गौरव तिवारी की डेथ का मेजर रीजन यही था कि जो डार्क स्पॉट्स उसके साथ जुड़ गए थे उनको हटाना उन्हें नहीं आया। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी इस फील्ड में है कि जब तक आपके प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो जाए आप इसका एक्सपोजर ना लें। धन्यवाद, आगे भी बात करेंगे इस पर।